let's move on to the final bit. It's वैसे हमारा time खत्म हो गया almost, मगर we'll try to cover as much as possible in the next 15-20 minutes. So effectively, the purpose of bringing Docker with Kubernetes जो था वो ये था कि हमने दोनों ends देखने थे उसके. There is obviously Docker part जहाँ पे आप images को create कर रहे होते हो, you're creating the containers, you're getting used to the lowest end of the work. And Kubernetes is on extreme other end. Yeah, this is all about deploying it and making sure it scales properly. Okay? So effectively, Kubernetes itself is a very advanced tool. ये कोई ऐसा की चीज़ नहीं जो हम लोग 15 मिनट में समझ सकेंगे. But what my aim is today कि मैं आपको एक basic overview दे सकूँ इसका, जिसमें आप लोगों को एक idea मिल जाए कि अच्छा यार मैंने जो Docker सीखा है इसको ये चीज़ इस्तेमाल करती है deployment के लिए, right? So you get some basics covered. So when the next workshop will be, then we can start playing around with some more advanced concepts, or we can maybe even make something then. Okay? So before I kick off, I'm just interested to know. I don't know if starting with Paul was there. Here, how many people are students? Okay. About 40%, and I'm assuming the rest are professionals. Okay. So effectively. Yeah, this is obviously more useful for professionals because you guys will be working on projects that will require deployments to production. So, uske andar jo na we kafi sare tools hain, Mesos hai, Docker Swarm hai, Kubernetes is one of them. Aur isko hum log help karte hain usually to make sure that your application gets deployed properly to production. Yahan pe kitne logon ne Docker Compose ka suna hua hai? Bahut kam log hai. So essentially, when you learn Docker, then the next step is Docker Compose. And the purpose of Docker Compose is just so much that now we are running one command and image run, Docker run, Docker run. So all the commands are in a config file. So I can say that my Docker Compose file is, I need an Nginx container, export it with bind. Give me a MySQL container, export it with bind, add it to ADB. तो इस तरह की वो एक फाइल बन जाती है. तो उससे क्या होता है कि फिर आप डॉकर कंपोज अप करते हैं तो आपके सारे कंटेनर्स को एक साथ चला देता है. मगर दैट स्टिल डज नॉट सॉल्व द रियल प्रॉब्लम. आप डॉकर कंपोज को प्रोडक्शन में यूजिंग कर सकते हैं और उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय ऑर्केस्ट्रेशन. तो जब हम लोग एक डॉकर कंपोज अप फॉर एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं अभी अपने प्रोडक्शन के अंदर, हमने एक कमांड रन किया डॉकर कंपोज अप का और वो हमारे कंटेनर चल पड़े, हमारी वेबसाइट एक्सेसिबल है, एवरीथिंग इज गुड. दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन. हमने अपने काम सारा ऑटोमेट कर दिए. अब जब मैं एक कमांड से मैं सारा कुछ डिप्लॉय कर सकता हूँ विदाउट एनी वरीज. मगर ऑर्केस्ट्रेशन इज स्लाइटली डिफरेंट. ऑर्केस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपने डिप्लॉयमेंट तो करनी है, मगर देर आर सर्टन अदर एलिमेंट्स दैट नीड टू टेक केयर ऑफ. अब यहाँ पे जितने ब्लू बॉक्सेज हैं ना, ये वो सारे अदर एलिमेंट्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. उसमें से एक जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं. एक जो चीज़ है वो है कि अगर मेरा कंटेनर चलते हुए क्रैश हो गया, कोई एक्सेप्शन थ्रो हो गया, वट एवर आउट ऑफ मेमोरी, वट एवर रीजन इट इज, तो अब उसका क्या होगा. अगर मैं डॉकर कंपोज में रन कर रहा हूँ तो वो कंटेनर क्विट हो गया, कहानी खत्म हो गई. मगर अगर इफ आई एम यूजिंग एन ऑर्केस्ट्रेशन इंजन तो वो उस कंटेनर को डिटेक्ट करेगा, वो मॉनिटर कर रहा होगा, वो क्रैश को डिटेक्ट करेगा और वो उसको रिस्टार्ट करेगा, राइट. इसी तरह हमारे पास होता है स्केलिंग के इश्यूज़. जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अभी दो कंटेनर्स चल रहे हैं, एक फ्रंट एंड के लिए चल रहा है, एक बैक एंड के लिए चल रहा है. फ्रंट एंड के ऊपर एकदम से लोड ज़्यादा हो गया और हमें अब दो चाहिए, हमें रेप्लिकास चाहिए, एक और फ्रंट एंड की कॉपी चाहिए. तो हम लोग कुबरनेटीज को कह सकते हैं कि जब हमारा इस तरह इतना लोड आए इसके ऊपर तो हम उसके ऊपर रेप्लिकास को इंक्रीज कर दें, तो वो रेप्लिकास को इंक्रीज कर देगा एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी टू स्केल, राइट. इसमें आखिरी जो चीज़ है वो हमने मॉनिटरिंग में टच किया है, बट मॉनिटरिंग गोज वेल बियॉन्ड जस्ट मेकिंग श्योर के पॉड्स जो आपके ये कंटेनर्स हैं चल रहे हैं या नहीं, मगर ऑल्सो मेकिंग श्योर उसके जो लॉग्स हैं उनका क्या हो रहा है और सारी चीज़ों को मैनेज करना, ये सारा कुछ जो है इट कम्स एज अ सिंगल पैकेज एंड दैट इज पार्ट ऑफ एन ऑर्केस्ट्रेशन इंजन. और ये जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड कुबरनेटीज. ये सिर्फ अकेला नहीं है, देर आर मेनी अदर प्रोडक्ट्स, इट इज़ वन ऑफ द न्यूअर वंस डेफिनेटली. और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं. तो कुबरनेटीज का जो नाम है, ये मुझे नाम बड़ा पसंद है बिकॉज़ इट्स वेरी अप्रोप्रिएट. इसका नाम है, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑफ हेल्म्समैन. हेल्म्समैन यहाँ पे किसको पता है क्या चीज़ होती है, किसी को पता है?
पायलट, हाँ पायलट में किस चीज़ का पायलट? बिल्कुल, जो शिप के अंदर आपने देखे ना इसका यहाँ पे जो सिंबल है डॉकर, वो शिप का जो स्टेयरिंग व्हील होता है उसका इसका सिंबल है। तो जो इसके जो बंदा इसको चला रहा होता है ना उसको पायलट कहते हैं। और शिप के ऊपर कौन सी चीज़ें जाती हैं? शिप के ऊपर कंटेनर्स जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा किसी ने बड़ा सोच रखे ना। तो आपको एक नज़र आएगा के एट्स लिखा हुआ है काफ़ी जगहों पर अब। तो के एट्स ऑल्सो मीन्स कुबरनेटीज। इसका शॉर्ट फॉर्म बना इस तरह है कि के उसका फर्स्ट अल्फाबेट है और फिर कुबरनेटीज एट कैरेक्टर्स हैं, तो उन्होंने क्रिएट कर दिया उसको शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये दिस इज एन ओपन सोर्स सिस्टम, तो ये कोई ओन नहीं करता। वैसे तो टेक्निकली गूगल ने क्रिएट किया, बट दिस इज एनीवन कैन कंट्रीब्यूट टू द सिस्टम, एनीवन कैन ऐड टू द सिस्टम। इसकी ओनरशिप वैसे पब्लिक है। तो ये सिस्टम जो था ये गूगल ने क्रिएट किया था, दे रिलीज्ड इन 2015। और गूगल ने इंटरनली अपने अभी तक डेवलपमेंट करा था अपने बोर्ड सिस्टम के ऊपर, जो उनका इंटरनल पहले सिस्टम था। और उन्होंने इतने सारे इश्यूज देखे थे अपने सिस्टम के साथ, और उन्होंने कहा कि यार हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो स्टैंडर्डाइज हो जाए हर जगह। बिकॉज अभी भी अगर हम लोग चाहें अगर कहीं डिप्लॉयमेंट करने जाते हैं तो वो हर डिप्लॉयमेंट का डिफरेंट तरीके होते हैं, हर सिस्टम के अलग तरीके होते हैं। अमेजोन के पास ECS है और क्लाउड फॉर्मेशन है, और Azure के पास अपना कोई सिस्टम है, IBM के पास कोई अपना सिस्टम है। So the idea was to create a single application, एक single framework हो जो हर कोई use कर सके और वो हर जगह भी चल सके, right? तो this was the idea for Kubernetes. और इसी वजह से जैसे ही उन्होंने Kubernetes को create किया, they also partnered with Linux to create something called the Cloud Native Computing Foundation. और ये उन्होंने essentially एक standardized body बना दी है जो अब Kubernetes को oversee करती है, और इसके साथ बाकी जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं उन्होंने ज्वाइन इन कर लिया है। तो अमेजोन इज़ पार्ट ऑफ दिस, माइक्रोसॉफ्ट इज पार्ट ऑफ दिस, गूगल ऑलरेडी है, IBM है, तो जितने भी आपके मेजर क्लाउड प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग लिनक्स जो ओपन स्टैक को ओन करता है, वो सारे एक साथ आ गए हैं। विच मीन्स के दिस इज एक्सेप्टेड एज अ स्टैंडर्ड बाय एवरीवन इन द क्लाउड कम्युनिटी। इसमें जो एक और अच्छी चीज़ आ रही है, अभी रिसेंटली अनाउंस की थी डॉकर ने कि अब डॉकर इसको नेटिवली भी सपोर्ट करेगा। तो अभी दीज वर टू सेपरेट प्रोजेक्ट्स, बट वट दे मीन इज कि अब जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन होंगी वो उनको ख्याल रखेंगे वो कि कुबरनेटीज में चेंजेस हो रही हैं, उसके हिसाब से वो एडजस्ट करें उसमें प्रॉपरली इंटीग्रेट हो सके। डॉकर का अपना भी ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है जिसका नाम है डॉकर स्वॉर्म, और वो भी साइड पैरेलल चलता रहेगा। इन केस अगर आपने कभी कंपेरिजन करना हो तो इट्स वर्थ वाइल लुकिंग इनटू दैट, स्लाइटली डिफरेंट है बट डज द सेम थिंग। नहीं तो अगर आपने वॉल्यूम्स बाइंड किए हैं तो आपका सारा सब कुछ सेव होगा, परसिस्टेंस नहीं है तो सब कुछ चला जाएगा। वो तो आपकी आपके सेटअप के ऊपर है ना, आपने किस तरह सेटअप किया है। तो यूजली ऑब्वियसली आप वॉल्यूम्स को बाइंड करते हो जब आप डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हो, तो मेक श्योर कि आपकी चीज़ें परसिस्ट कर रही हैं, ठीक है ना। तो Kubernetes में व्हाट्स द रीज़न कि Kubernetes की इतनी अडॉप्शन हो रही है अभी? एक तो ऑब्वियसली इस पर गूगल का ठप्पा लगा हुआ है कि जिन लोगों ने ये सिस्टम बनाया है दे हैव बिन वर्किंग ऑन दिस फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स, दे हैव सीन ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। गूगल जब कंटेनर्स चलाता है वो 10-12 कंटेनर्स ही चलाता है, वो लाखों में कंटेनर्स चलाता है एक टाइम पे। तो उनकी एक एक सर्विस के ना 2-3-4 लाख कंटेनर्स चल रहे होते हैं, उनको मैनेज करना है, उनको मॉनिटर करना है, उनके लॉग्स देखने हैं, एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड बाय Kubernetes ना, ठीक है ना। तो उसको स्लोली वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, फर्स्ट वन वाज पोर्टेबिलिटी। तो जैसे मैंने मेंशन किया था कि अभी तक जो है क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स नहीं है ना, तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल गूगल क्लाउड से मैंने आने हैं अमेजोन के ऊपर, तो इट्स नॉट वेरी इजी, आई हैव टू रीराइट माई होल डिप्लॉयमेंट सेटअप, ठीक है ना, क्योंकि वो इट डजेंट कॉपी स्ट्रेट अवे। तो इसमें अब किसी तरह की भी डिप्लॉयमेंट पे हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, हाइब्रिड हो, इट डजेंट रियली मैटर, एंड ऑल यू नीड टू डू इज कन्फिगर योर Kubernetes सेटअप और वो उधर डिप्लॉय हो जाएगा। एक्सटेंसिबिलिटी वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर ऐप जो है वो डिफरेंट होता है। अगर मैंने एक ऐप लिखा है और वो बेशक सेम ऐप हो, एक चैट ऐप हो, आपने लिखा है और मैंने लिखा है, उनके अंदर जो लॉगिंग के सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट होंगे, उनके अंदर जो बाकी मैकेनिज्म्स हैं ऑथेंटिकेशन के, इसके वो सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो उसको कैटर करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि Kubernetes के अंदर यू हैड प्रॉपर टूलिंग एंड उसमें जो हुक्स हैं वो सारे अवेलेबल हों, क्या को चीज़ें पता चल रही हैं, अच्छा यार ये अब हो रहा है, ये अब हो रहा है, तो आप उसको अडाप्ट कर सको।
एंड फाइनली जो ऑर्केस्ट्रेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज सेल्फ हीलिंग, कि अगर आपकी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है ना। तो उसमें अगर आपका सिस्टम एक फेल हो गया तो उसको वहाँ छोड़ नहीं देता नोटिफाई करके, वो उसको कोशिश कर रहा होता है कि मैं किस तरह उसको करेक्ट कर सकूँ कि वो चल पड़े वापस। इसको इंस्टॉल करने के लिए वी हैव टू, इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट जो जिनको डॉकर में मसला होता है उनको डेफिनेटली कुबेरनेटिस में होगा। तो मैंने पर्सनली यूज़ के लिए मैंने ब्रू यूज़ किया था मैक के ऊपर, मगर फ्रॉम द डॉक्स द ईजिएस्ट वे टू डू इट इज़ जो गूगल क्लाउड का जो CLI है वो आप लोग जब इंस्टॉल करेंगे तो उसमें kubectl जो है ना जो Kubernetes का API का जो टूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो और अगर आप लोकली रन करें तो फिर आप अगर हमने पूरा डिप्लॉय लोकली करके ट्राई करने तो उसके लिए आपको फिर मिनी क्यूब भी चाहिए होता है, दैट्स अनदर टूल दैट यू नीड। दैट वाज द इंट्रोडक्शन, लेट्स एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग एट हाउ इट वर्क्स। तो दिस इज अ डायग्राम व्हिच लुक्स फेयरली सिंपल बट उसमें काफ़ी डेप्थ भी है एट द सेम टाइम। तो Kubernetes में देयर टू मेन काइंड ऑफ थिंग्स जिसको हम लोग मास्टर Kubernetes मास्टर और Kubernetes नोड में स्प्रेड करते हैं। Kubernetes जो नोड जो है दैट्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज द वर्कर नोड। तो मास्टर का जो काम है वो सिर्फ एक ही काम है एंड दैट इज़ टू कंट्रोल इट्स वर्कर्स। वो वर्कर्स को जनरेट करता है और उनको मॉनिटर करता है और उनको रेप्लिकेट करता है और सब कुछ करता है। अगर मास्टर शट डाउन हो जाएगा तो आपके वर्कर्स चलते रहेंगे मगर उनका जो सोर्स है, तो अगर एक वर्कर फेल होगा उसके बाद तो वो रिस्टार्ट नहीं होगा क्योंकि उसका मास्टर एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो हमारे पास Kubernetes के अंदर जो मास्टर है उसमें एक और बड़ी यूजफुल चीज़ है कि वो एक्सपोज करते हैं API लिटरली एक REST API की तरह ही API होता है और उसके साथ हम लोग डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं Kubernetes के अंदर अपनी डिप्लॉयमेंट के साथ, राइट। तो उसमें द फर्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है कि मुझे चेक करना है मेरे कौन से कंटेनर्स रन हो रहे हैं। मैं एक कमांड रन करूँगा गेट पॉड्स का, वो मुझे बता देगा मेरे कौन से कंटेनर्स रन हो रहे हैं। मैं उनको थोड़ा सा इंस्पेक्ट डिस्क्राइब पॉड्स करूँगा तो वो मुझे बता देगा कि उनकी IPs क्या हैं और उनकी चीज़ें क्या हैं। वो सारी चीज़ें Kubernetes मास्टर के थ्रू हो रही होती हैं। Kubernetes मास्टर में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो है etcd, एंड वो असेंशली क्या करते हैं, इट्स अ बैकिंग स्टोर जिसमें जितना भी आपका मेटा डेटा कलेक्ट हो रहा है Kubernetes का वो सारा इसमें स्टोर हो रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई लॉग्स हैं या स्टेट मेंटेन कर रहे हैं कि अच्छा ये भी रीस्टार्टेड है, ये रीस्टार्ट होना है, ये फेल हो गया, ये सारा कुछ इस HC में स्टोर हो रहा होता है। और फिर ऑब्वियसली आपके जो सारे कंट्रोलर्स हैं और स्केड्यूलर्स हैं इनको जिसको डिटर्मिन करना है कि आप इसको स्पिन अप करना है, इसको स्पिन डाउन करना है, इसको रेप्लिकेट करना है, वो सारी लॉजिक जो कंट्रोलर्स हैं वो सारे हमारे मास्टर में अवेलेबल हैं। तो हमारे जितने भी बड़े ऐप्स हैं उसमें हमारे पास मल्टीपल मास्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है तो उसमें मल्टीपल मास्टर्स रखना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने मेंशन किया था अगर मास्टर हमारा डाउन हो गया और हमारा कोई कंटेनर फेल हो गया तो वो कंटेनर फिर रिस्टार्ट नहीं होगा। तो एज अ कंटिजेंसी वी ऑलवेज देन कीप मोर देन वन मास्टर टू मेक श्योर हमारे पास अपने पॉड्स का एक्सेस हर वक्त रहे और वो हर वक्त मॉनिटर हो रहे हैं। इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं डॉकर स्वॉर्म को देख रहा था और डॉकर स्वॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे मास्टर नोड का कॉन्सेप्ट नहीं होता एंड इंस्टेड वहाँ पे क्या चीज़ होती है, वो वर्कर नोड को प्रमोट करते हैं एज अ मैनेजर नोड और वो कोई भी वर्कर नोड अपने आप को प्रमोट कर सकता है। तो अगर मैनेजर नोड डाउन जाता है तो नोड के अंदर जो भी दूसरा वर्कर नोड होता है वो अपने आप को प्रमोट कर लेता है एज मैनेजर नोड। तो अगेन डॉकर स्वॉर्म उस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहा होता है। वर्कर नोड के अंदर एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है पॉड्स। पॉड्स क्या होते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, मगर इफेक्टिवली पॉड्स जो हैं वो हमारी जो हमारा कोड रन हो रहा है वो सारा पॉड्स के अंदर होता है। हमारे पास वर्कर नोड्स के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड द कुबलेट सर्विस जो इफेक्टिवली जो नेटवर्क का पूरा एब्स्ट्रैक्शन लेयर है ना वो सारा उसके अंदर कंटेन्ड होता है और वो उसके अंदर वो यूज़ कर रहा होता है। तो अगर मैंने अपना मास्टर से किसी पॉड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कुबलेट सर्विस को पिंग करता है, उसको पता होता है अच्छा यार ये पॉड इस IP पे अवेलेबल है। फिर हमारे पास इसकी प्रॉक्सी है जो एसेंशली नेटवर्क को पूरा क्रिएट करती है और फिर हमारे पास कुछ सुपरवाइजर्स होते हैं जो मेक श्योर कर रहे होते हैं कि हमारा कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा होता है तो वो कुबलेट सर्विस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं कि भाई कोई मसला हो गया अब कुछ सही करना है, तो वो फिर या तो वो उसको रिस्टार्ट करेगा या वो एक और स्पिन अप करेगा, वट एवर इट इज़। तो Kubernetes जो है वो डॉकर को यूज़ करते हैं। तो Kubernetes जो है ना वो ऑर्केस्ट्रेशन इंजन है, आप इसको जो दोगे ना वो उसको डिप्लॉय कर देगा। इस केस में हम उसको डॉकर के कंटेनर्स देंगे
और वो डॉकर कंटेनर्स को डिप्लॉय कर दे, दैट इज द कनेक्शन राइट. तो जो इसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर इसलिए रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, हमने डॉकर तो सीख लिया, हमारे साथ होता क्या है, इसके साथ ये होता है आप उसको एक कुबरनिटीज जैसी सर्विस को देते हो जो फिर उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर देता है राइट. तो नेक्स्ट आप इज पॉड्स, जो हमारे पास उसका बेसिक एक लॉजिकल एप्लीकेशन बनता है. तो एक्चुअली एक पॉड के अंदर यू कैन हैव मल्टीपल कंटेनर्स और वो आप डिसाइड नहीं यूजली करते हैं, बट इट्स एसेंशली दोज कंटेनर्स विच हैव लॉजिकल डिपेंडेंसीज ऑन ईच अदर ठीक है. तो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक अपना बैकएंड चला रहा हूँ और बैकएंड के साथ मैं एक मोंगोडीबी साथ चला रहा हूँ, तो वो दोनों कंटेनर्स जो हैं वो एक पॉड के अंदर होंगे बिकॉज दे फॉर्म अ लॉजिकल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन. फिर दूसरी जगह मैं फ्रंट एंड के लिए इंजिंग्स का कंटेनर चला रहा हूँ, इट कुड बी अ सेपरेट पॉड, इट कुड ऑल्सो बी द सेम पॉड बट इट कुड बी अ सेपरेट पॉड इज वेल डिपेंडिंग ऑन हाउ द थिंग इज सेट अप. तो हर पॉड के अंदर उसकी वॉल्यूम्स होते हैं जिसके अंदर उसका डेटा शेयर हो रहा होता है, कॉन्फिग फाइल्स शेयर हुई होती हैं, सारा कुछ शेयर हो रहा होता है और हर पॉड को एक अपनी आईपी मिलती है ठीक है. एंड दिस इज एन आईपी जो आप डायरेक्ट आईपी उसको डिस्क्राइब पॉड करोगे कभी तो वो आपको आईपी दिखा देगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, चेक कर सकते हो. बट यूजुअली हम लोग डायरेक्ट पॉड्स को आईपीज के साथ एक्सेस नहीं करते क्योंकि आईपीज चेंज हो रही होती हैं. जब एक पॉड रिस्टार्ट होगा तो उसकी आईपी चेंज जाएगी, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड टू मेक श्योर कि अच्छा है कौन कौन से पॉड्स मेरे पास चल रहे हैं. ये अगला पॉइंट है. तो उसके लिए हम लोग सर्विसेज यूज करते हैं. तो सर्विस का जो मकसद है वो क्या करता है कि एक लेयर नेटवर्क लेयर एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट कर लेता है जिसकी जिससे जब मैं इसको जिससे मैं लेबल्स के थ्रू अपने पॉड्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ. तो अगर मैं अपने एक पॉड बनाता हूँ, मैं उसको लेबल दे देता हूँ बैकएंड का, तो मैं जब गेट पॉड्स बैकएंड करूँगा ना तो वो जितने भी लेबल वाले पॉड्स होंगे ना वो उन लेबल के साथ ले आएगा, मुझे आईपीज जानना ज़रूरी नहीं है राइट. तो इस तरह मुझे आईपीज के साथ मैनेज करना ही नहीं पड़ता, वो फिर इंटरनली सारी अपनी आईपीज को मैनेज कर लेता है. एक और जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ सीक्रेट्स एंड कॉन्फिग मैप्स. जब आपके पास कोई भी एप्लीकेशन होगा उसमें यू विल नीड एट सम पॉइंट आपको कुछ चीज़ें जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस के पासवर्ड्स हैं या कोई और एक्सेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने AWS की किसी और सर्विस एक्सेस करना है तो आपने उसकी कोई एक्सेस कीज रखी हुई है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपकी सीक्रेट्स बनती हैं. एंड यू हैव कॉन्फिग्रेशन लाइक योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, योर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, सब कुछ. तो इनको आप एज ऑब्वियसली कुछ लोग एज अ कोड भी रखते हैं इसको, मगर जिसका सही तरीका होता है जब आपके पास बड़ी एप्लीकेशन होती है तो आप उसको सेपरेट मेंटेन कर रहे होते हो कॉन्फिग्रेशन को. तो इसमें आप इसेंशली करते क्या हो, आप एक स्पेशल वॉल्यूम इनका बनता है जिसका नाम होता है कॉन्फिग मैप, और आप ये वॉल्यूम जो है ये हर पॉड के साथ बाइंड हो जाता है. तो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिफाइन कि यार ये मैंने सीक्रेट क्रिएट की है, ये मैंने कॉन्फिग मैप क्रिएट किया है, और ये ऑटोमेटिकली हर पॉड के साथ बाइंड हो जाएगा एंड देन माई एप्लीकेशन कैन यूज इट फ्रॉम देयर ठीक है. तो इट्स गोना बी लाइक अ सेपरेट वॉल्यूम, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पाथ दे देते हैं हम लोग उसको, तो उसको पता होगा कि /var/config के अंदर मेरी सारी कॉन्फिगरेशन फाइल्स पड़ी हैं, तो वो वहाँ जाके उसमें वो क्रिएट कर लेगा. एंड फाइनली जो हम लोग अगेन चीज़ें टच कर चुके हैं, मॉनिटरिंग एंड हेल्थ चेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम्स के लिए. तो इसमें दो तीन और चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो ये होती हैं कि जब आपका कंटेनर स्टार्ट होता है तो वो एकदम से लाइव नहीं हो जाता राइट. इसमें सबसे स्पेशली जो है ना ये डेटाबेस के साथ मसला आता है, जब डेटाबेस इनिशलाइज होती है तो जब मैं कंटेनर स्टार्ट करूँगा एंड टू द पॉइंट कि वो रेडी हो जाएगी यूज़ करने के लिए, देयर इज़ गोइंग टू बी अ डिले, वो एक सेकंड का होगा, आधे सेकंड का हो, यू डोंट नो कितना लंबा होगा. तो यू कैन नॉट ब्रिंग अ सिस्टम ऑनलाइन जब तक आपका सिस्टम रेडी नहीं हो गया राइट. नाउ नॉर्मल केसेस में आपको ये सोचना पड़ेगा अच्छा ये रेडी हो गया नहीं हो गया, आपको टेस्ट करेंगे लोकली रेडी हो गया फिर आप उसको लाइव करेंगे. बट कुबरनिटीज मेक्स श्योर कि वो सारा काम कर रहा हो. जब वो फॉर एग्जाम्पल एक पॉड रिस्टार्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल एक पॉड फेल हो गया, तो सबसे पहले तो ये काम करेगा कि वो लोड बैलेंसेस को हटा देगा. लोड बैलेंसर इज गोना बी द थिंग दैट्स गोना बी कनेक्टिंग इट टू द पब्लिक चैनल, जो पब्लिक आईपीज इसके थ्रू एक्सेस कर रहे होंगे उसको. तो जब वो उसको रिमूव कर देगा तो वो फिर एक्सेसिबल नहीं रहेगा. मगर जब वो रिस्टार्ट करके जब वो पॉड वापस लाइव हो जाता है, सही चल रहा है, सारे हेल्थ चेक्स को टिक मार्क कर देता है, तो एट दैट पॉइंट इट विल देन एडेड बैक टू द लोड बैलेंसर और फिर वो वापस पब्लिक एक्सेसिबल हो जाता है. तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी अगर हम लोग मैन्युअली डिप्लॉय कर रहे हो वो हमें खुद करनी पड़ती हैं, बट
अगर हम लोग कुबेरनेटीज़ के साथ कर रहे हो तो वो इंटरनली उनको हैंडल कर रहा होता है एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज तरीके से. तो दिस इज लाइक जस्ट टू गिव यू अ क्विक ग्लिम्स. अब इसमें यू ऑब्वियसली यू वोंट अंडरस्टैंड मच, मगर दिस इज अ सैम्पल डिप्लॉयमेंट फाइल जो हम लोग यूज करते हैं एक कुबेरनेटीज़ की डिप्लॉयमेंट के लिए. तो उसके ऊपर हम लोग ऊपर से क्विकली हम रन थ्रू कर सकते हैं. ऊपर शुरू कर रहे हैं काइंड के साथ. Obviously, you can have a kind of deployment, you can have a pod, you can have a service. आप किस चीज़ को describe कर रहे हो नीचे. उसके बाद आप उसके metadata देते हो. इसमें हम लोग अभी mention किया था कि हम लोग labels use करते हैं, right? तो labels के अंदर हम लोग define कर देते हैं कि इस तरह का एक label use करने है, जिससे जब मैं उसको get pod करके label use करूँ तो वो मुझे उसकी सारी information ला देगा. तो यहाँ पर हम सारे इसके labels define कर रहे हैं. स्पेक्स के अंदर हम लोग उसकी चीज़ें डिफाइन करें कि इसके replicas कितने चाहिए, उसके कितने हमें क्लोन्स चाहिए जो एक साल रन हो रहे हो, राइट. और फिर इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसके नीचे टेम्पलेट के अंदर आ रही है, दैट इज द कंटेनर्स, राइट. तो कंटेनर्स यहाँ पे डॉकर का काम आ रहा है. तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमें इंजिंग्स की 1.9.1 जो इमेज है वो चाहिए, और हम उसको एक नाम भी दे रहे हैं क्योंकि हम लोग फिर अगेन हमने उसको एक्सेसिबल करना है. और फिर उसके हम लोग सारी पोर्ट बाइंडिंग और वॉल्यूम बाइंडिंग्स कर रहे हैं टू मेक श्योर कि हम लोग उसको प्रॉपरली यूज कर सकें, ठीक है. तो इफेक्टिवली ऑल यू हैव टू डू इज राइट दिस फाइल एंड देन हम एक कमांड रन करते हैं एंड दिस थिंग डिप्लॉयज इट टू वेरेवर सर्विस. अगर आप गूगल क्लाउड पे कर रहे हैं या आप ई के एस पे कर रहे हैं वेरेवर, वो उसको डिप्लॉय कर देगा. और इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में हम लोग क्या डिप्लॉय कर रहे हैं, वी जस्ट डिप्लॉइंग अ सिंपल इंजिंग्स अपाचे का सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है. ये डिप्लॉय हो जाएगा एंड विल स्टार्ट यूजिंग इट. इसमें हम लोग हमारे पास दो रेप्लिकास चल रहे होंगे, दो कंटेनर्स चल रहे होंगे, तो उसको वो हिसाब से उसकी लोड बैलेंसिंग भी कर रहा होगा, ठीक है. तो जस्ट अ वेरी वेरी क्विक ओवरव्यू. हम लोग ऑब्वियसली कोई लाइव डेमो नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट टू गो थ्रू ऑल द कमांड्स. तो इसमें यू हैव स्टफ लाइक गेट पॉड्स, जिसमें आप एसेंशली सारी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं पॉड्स के बारे में. जब आपने कोई चीज़ क्रिएट करनी होती है लाइक अ सर्विस और अ पॉड और एनीथिंग, तो आप क्रिएट का यूज़ करते हैं. आप जो हमने अभी कॉन्फिग फाइल देखी है, दैट्स कॉल्ड अ यामल फाइल. आप उसको यामल फाइल प्रोवाइड करते हैं तो वो उस तरह की वो चीज़ क्रिएट कर देता है. अगर आपको एक किसी भी चीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल एक पॉड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसका नेम की जगह, नेम जो है इट्स एक्चुअली द लेबल जो हम लोग बात कर रहे थे, हम उसको वहाँ लेबल डालेंगे तो उसका वो इन्फॉर्मेशन सारी दे देगा. यहाँ पे एक कमांड है पोर्ट फॉरवर्डिंग की. तो अभी हम लोगों ने डॉकर में देखा था माइनस पी का टैग हम लोग यूज़ करते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए. तो इसके अंदर हमारे पास पोर्ट फॉरवर्डिंग का प्रॉपर कमांड है जिसमें हम लोग होस्ट और कंटेनर्स को लिंक कर रहे होते हैं. exec is exactly the same as docker exec, जिसमें हम लोग किसी भी कंटेनर के अंदर जाके SSH करके हम लोग उसके अंदर चीज़ों को छेड़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लॉग चेक कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट. हमने कॉन्फिग्रेशन की बात की थी, एंड अगेन इट्स एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज क्रिएट कॉन्फिग मैप. और उसके अंदर हम लोग जो की वैल्यू पास करेंगे वो अवेलेबल हो जाएगी एप्लीकेशन को पॉड के अंदर. और फाइनली अगर किसी ने हमने सारे लॉग्स देखते हैं हमने डिफरेंट पॉड्स के, जस्ट वन कमांड और फिर उसके आगे जो कंटेनर नेम है हम लोग उसको वो देंगे तो वो सारे पॉड्स के लॉग शो कर देगा. नाउ यार विंडोज में मैंने ट्राई नहीं किया, बट आई वुड अज्यूम कि ये करना चाहिए. तो बट इफेक्टिवली आप इसको मैं जो रन कर रहे होगे ना वो किसी सर्वर पे कर रहे होगे, गूगल क्लाउड पे कर रहे होगे या कहीं और पे कर रहे होगे. यू वॉन्ट बी रनिंग इट ऑन विंडोज मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है ना. तो दीज आर सम ऑफ द कमांड्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जो इफेक्टिवली गोइंग फ्रॉम डॉकर टू कुबेरनेटीस इज नॉट अ वेरी बिग जंप. ऑल यू नीड टू डू इज कि आपने एक दफ़ा अपने इमेजेस बना ली हैं तो यू नीड टू क्रिएट अ कॉन्फिग फाइल एंड देन यू कैन यूज़ अपना जो उनका क्यूब सी टी एल की जो बाइनरी है उससे आप अपनी डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं राइट फ्रॉम द कमांड लाइन. एंड दैट वॉज प्रीटी मच इट फॉर कुबेरनेटीस. Just some final announcements to make before we wrap up today. So, hum log abhi we're in the process of creating Docker Karachi. So, we'll probably create a proper group somewhere jahan pe aap sab log join kar sako. So, we'll post an update on the event page jo hamara iska Facebook pe humne event create kiya tha. So, please keep an eye out on there. Hum log jab usme post karenge to we'll give you instructions ki yahan pe meetup.com pe hai jahan pe humne banaya usko wahan pe jaake aap log join kar le. तो वहाँ से फिर आपको सारी अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे. तो वी आर प्लानिंग टू डू अनदर वर्कशॉप सून इन फेब्रुअरी. तो इफ़ यू गाइस आर ऑल साइंड अप देन यू विल गेट नोटिफाइड कि हमारी सारी वर्कशॉप्स आ रही हैं. उमेर भाई एनी अदर थिंग वांटेड मेंशन है? नहीं, ठीक है.
And that is it. Our last work, which is that's the raffle part. So let's just quickly do that. So feedback form. Shiji, 81 entries in our pass. Alright. Double roll karne hai isme. It wasn't chatting. Oh wow. हमने जानबूझ के स्क्रीन पे किया था कि हम फिर कोई ये ना कह सके कि यार ये टेंपरेट से बंदा कहाँ जाए. Exactly. चलें आ जाइए सिक्की भाई प्लीज. मेरे भाई ये तो आप ही ऑनर करें प्लीज. Obviously, yeah, properly up to ho hi hai. Chale bhai, it is all yours. Okay, that's it from our side. Hopefully we all learned something. Kuch nahi kuch to we all learned a few buzzwords to post to other people. Chale. Thank you very much. कोर्सेज होते हैं स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के फ्रेमवर्क्स के लैंग्वेजेस के उसकी डिटेल आपने वो देखी होगी एक फ्लायर रखा हुआ है वहाँ पर इस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं वो ऑन डिमांड भी होती हैं जैसे मिसाल के तौर पर इफ़ यू वर्किंग एट समवेयर और आप चाहते हैं कि हम आप लोगों को ट्रेन करें तो अगर आप लोग चाहें तो बस उनसे कॉन्टैक्ट करें तो हम कस्टम ट्रेनिंग भी स्केड्यूल कर देते हैं जो ऑन डिमांड ट्रेनिंग कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जो आप लोगों को चाहिए हमारे पास एक्सपर्ट्स तकरीबन हर चीज़ के ही जो आदमियों में मिल जाता है यार कोई एकदम तो उस तरह की ट्रेनिंग हम लोग बराबर हमारी लैब बनी इधर नहीं होती बराबर में लैब है साथ वाले रूम में लैब Thank you.
देख रहा था तो उसके अंदर मैंने ये देखा कि वो
हर जगह गेम घुसे ना स्पेशली दिसंबर से तो लाजमी वो के कमिट क्या ये पता है मैं पता है वो ये इस दफा हमने प्रोजेक्ट करनी क्या थी वो सारी इन्वॉइसेस को लाके ना साथ वो एक चीज करनी है मगर वो एरिकस पे काम कर रहे हैं वो तो मगर एरिकस पिंग करना तुम कनेक्टेड हो ना एक के साथ इतना ही तो फिर एक कॉमन नहीं आ रहा चैनल यार ये बता इतने ग्रुप बने हैं अब तो मैं नहीं ग्रुप से नहीं इसलिए स्लैक चैनल ना यहां से स्विच करा इधर से